चला गई। सिस्टर रागिनी Thank you.
यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। अभी अभी तो यही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझ पर झपट्टा मारकर गिर पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूँ, मां कसम। मैं बिल्ली नहीं, डॉक्टर निर्मला हूं। सॉरी मैम। चलो जाओ, अपना अपना काम करो। जी। चुप चुप ना ना ना, चुप 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 ना ना, ओ चुप चुप चुप। ना 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 ना, चुप चुप चुप। अरे बहू, क्या हो गया है इसे? ना ना ना, चुप चुप चुप। बहू क्यों रो रहा है इतना? देखे ना माजी, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। ला देखती हूँ मैं, चलो। क्या हो गया मुन्ने को? ना 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 बेटा, ना रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। माँ जी, ये इतना क्यों रो रहा है? इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, शायद पेट में कुछ दर्द होता होगा। वो ड्यूटी वाली नर्स भी अभी तक आई नहीं। ना ना, रोते नहीं मुन्ने, रोते नहीं, रोते नहीं बेटा। देखो अभी तू इसको पकड़ ले, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। हाँ चुप हो जा, ना ना ना, हे भगवान मैं क्या करूं, चुप हो जा, ना ना ना। ओ, 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 ना ना, चुप चुप। चुप चुप ना, ओ, ना, चुप चुप। चुप हो जा, ना ना ना, ओ, हे भगवान मैं क्या करूं, चुप हो जा। क्या हुआ इसे? अरे बेटे, तुम्हारा बच्चा तो बड़े जोरों से रो रहा है। मैं बाजू वाले कमरे में थी, इसके रोने की आवाज सुनकर यहाँ चली आई। हाँ, माँ जी ने कहा इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाने गई है। नहीं नहीं बेटे, इसके पेट में दर्द नहीं है, दरअसल ये गर्मी से मचल रहा है। लाओ मुझे दो, मैं बाहर घुमा के लाती हूँ। लाओ मुझे दो, लाओ लाओ, मैं बाहर ले जाती हूँ। नहीं रहन दीजिए, चुप हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई बेटे, मैं तो इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मुझे मालूम है बच्चे को कैसे चुप कराया जाता है। लाओ नहीं, लाओ दो ना। है ना बच्चे, आओ चलो मैं तुम्हें चुप कराती हूँ, है ना। आ जाओ मेरा बच्चा, अच्छा बच्चा, अभी चुप हो जाएगा। हाँ वो टैबलेट दे देना टाइम पे। ओके डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है, बुरी तरह मचल मचल कर रो रहा है बेचारा। अरे कुछ नहीं, वो बच्चा भूखा होगा, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, लेकिन बच्चे के लिए जरूरी होता है। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। शायद बच्चा रोते रोते सो गया है। बहू। हाँ बच्चा कहाँ है? माँ जी, बाजू वाले कमरे की आंटी आई थी, बच्चे को हवा खिलाने बाहर ले गई।
सुधा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बाजू में कोई कमरा नहीं है। आ, क्या? चलो देखते हैं। चलो हाँ। डॉक्टर यहाँ तो कोई नहीं है। मेरा मेरा बच्चा कहाँ है? माँ 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 मेरा बच्चा कहाँ है? माँ मेरा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा कहाँ है माँ? मेरा बच्चा? डॉक्टर साहब इसका बच्चा कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है? सुधा यही कहीं होगा। सुधा ढूंढते हैं हम। ऐसे कैसे बच्चा गायब हो गया यहाँ से? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर सुधा यही कहीं होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ है मेरा बच्चा? सुधा हम ढूंढेंगे उसे। डॉक्टर नहीं मुझे कहीं से भी मेरा बच्चा लाओ। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहीं से भी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखो सुधा तुम चिंता मत करो। क्या बात है? क्या हो रहा है? देखिए ना साहब कैसा जुल्म है। कमरे में एक औरत आती है और मेरे बहू की गोद से बच्चा उठा ले जाती है और देखते देखते गायब हो जाती है। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ साहब ये मुझे सब अस्पताल वालों की मिली भगत लग रही है। देख रहे ना मेरी बहू क्या है? अगर अगर इसका बच्चा नहीं ना मिला साहब तो ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। देखिए देखिए आप शांत हो जाइए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। देखिए आप हम पर भरोसा रखिए। आपका बच्चा जहाँ कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। आपका बच्चा आपको जल्दी मिल जाएगा। ये तो मेरे बच्चे के रोने की आवाज है। साहब ये हमारे बच्चे के रोने की आवाज है। हाँ और ये आवाज तो पीछे से आ रही है। कमान कमान हॉल दा कम फॉलो मी। अरे ये तो वही औरत है
जो मेरे मुन्ने को बाहर लेकर गई थी। ये औरत आपके यहाँ काम करती है? जी नहीं, ये मेरे यहाँ काम नहीं करती। लेकिन इस औरत ने तो यूनिफॉर्म आप ही के हॉस्पिटल का पहन रखा है। हाँ, यूनिफॉर्म मेरे हॉस्पिटल का ही है, लेकिन मैं इसे नहीं जानती। तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, हमने तो इसे कभी नहीं देखा। क्या आप जानती हो इसे? नहीं सर, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इस औरत को। कमाल है, वाकई कमाल है। डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं? एक औरत बड़े आराम से अंदर चली आती है और बच्चे को उठाकर बाहर निकल जाती है और किसी को कोई पता नहीं चलता? आपके हॉस्पिटल के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि आजकल ये वारदातें बहुत बढ़ने लगी है। इतने बड़े हॉस्पिटल से बच्चा गायब हो जाता है, इसे रोकना होगा। रही बात इस औरत की, तो इसके हाथ पे, गले पे और चेहरे पे गहरी खरोच के निशान है, और मरते वक्त ये वो बिल्ली कह रही थी। मामला पेचीदा जरूर है, लेकिन हम इसे जल्दी हल कर लेंगे। इस औरत को आसपास के लोगों ने जरूर देखा होगा। हवलदार जी साहब, एम्बुलेंस मंगवा लो। जी इस वक्त कौन आ गया? बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे तुम हाँ अंदर आओ। बोलो क्या बात है? ये लो बच्चा। नहीं, जैसा बच्चा मैं चाहता हूँ वैसा तुम लेके नहीं आती। और फिर आज टीवी न्यूज पे मैंने सब कुछ देख लिया। देखो सेठ, तुमने इस काम के लिए हमको पैसे दिए। तुमको लड़का मांगता था ना, ये देखो मैं लड़का लाई हूँ। अभी इसको लो, मैं जाती हूँ।
क्या हुआ? बिल्ली, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली तुम यहां से चल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, जाती हूँ। लेकिन इस काम के लिए तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो गए समझ लो। हाँ? तुम्हारे कहने पे मैंने इस बच्चे को दूसरे अस्पताल से उठाया था। अब मैं इस बच्चे का क्या करूँ? मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चल जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नहीं मोहिनी, तुम्हारी इच्छा थी ना कि तुम्हारी गोद में एक बच्चा हो, बस तो मैं बस उसी का इंतजाम कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत गड़बड़ हो गई। तो क्या एक माँ की गोद उजाड़ कर दूसरी माँ की गोद बसाना चाहते हैं? नहीं, अच्छा ही हुआ जो भगवान ने हमें इस पाप से बचा लिया। मोहिनी मेरी बात सुनो, मोहिनी तो मर चुके हैं। साहब, इस औरत को मैंने सिटी हॉस्पिटल के बाहर भीख मांगते हुए देखा था। क्या? सिटी हॉस्पिटल के बाहर? जी साहब। औरत के हाथ में ये पर्ची मिली। पर्ची? लो इसे पकड़ो, संभाल के। जी सर।
सुनिए सुनिए ना, उठिए ना, शायद दरवाजे पे कोई है। अरे इस वक्त कौन होगा? कहीं वही औरत तो नहीं? अरे वो औरत क्या करने आएगी अब? फिर भी जरा देखिए ना। देखता हूँ। जाइए। डॉक्टर शोभा, आपने मुझे पहचानी है? याद है आपको? आप मुझसे एक बच्चे के बारे में बात करने आए थे। लेकिन डॉक्टर शोभा, इतनी रात गए आप मुझसे ये बात करने आई हो? मिस्टर शांतिलाल जी, हाँ कहिए। रात के 2:30 बजे दरवाजा खोलकर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। दरअसल किसी ने मेरे घर की बेल बजाई और मैं बाहर देखने के लिए निकला हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन जब मैंने अपनी जीप से देखा तब यहाँ आपके सामने एक औरत खड़ी थी। औरत? हाँ, कौन थी वो? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर शांतिलाल, थोड़ी देर पहले यहाँ से थोड़ी दूर हमें एक औरत की लाश मिली और उस लाश के पास हमें एक पर्चा मिला जिस पर आपका पता लिखा है। आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मेरे घर पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले और उस औरत की शनाख्त करें। देखिए आप मेरी बात, देखिए आपकी जरा सी हिचक आपको परेशानी में डाल सकती है। मुझ पर भरोसा कीजिए मिस्टर शांतिलाल, मुझे आप पर किसी तरह का कोई शक नहीं। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और उस लाश की शनाख्त कीजिए, बस। ठीक है, चलिए। लगता है आप इसे पहले से जानते हैं। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने इसे कई बार भीख मांगते हुए देखा है। बड़ी अजीब बात है, जिस औरत को आपने भीख मांगते हुए देखा वो औरत आपके घर के पास एक नवजात शिशु को डस्टबिन में फेंकने के बाद किसी तेज नाखूनों जैसे हथियार से मारी जाती है, और वो नवजात बच्चा भी वही है
जो सिटी हॉस्पिटल से चुराया गया था। पर इंस्पेक्टर, मेरा इन बातों से क्या लेना देना? आपके कितने बच्चे हैं मिस्टर शांतिलाल जी? मेरे कोई बच्चा नहीं है। बच्चा चुरा कर भाग रही थी। हाँ, उसे मैंने ये सजा दी है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नवजात बच्चे चुरा कर कई माओं की गोद सुनी कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हॉस्पिटल्स में हो रहा है। लेकिन डॉक्टर शोभा, मैं जिस आपको देख रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सच है या सपना? सिस्टर रागिनी, तुम जो कुछ भी देख रही हो वो सच है। लेकिन डॉक्टर शोभा, लोग तो आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप तो हमारे नर्सिंग होम की बहुत ही रेपुटेड डॉक्टर थी, फिर आपने अचानक वो जगह क्यों छोड़ दी? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आप बहुत बीमार हैं, आप बेड रेस्ट पे थी, डेथ बेड पर थी। हाँ, ये सच है कि मैं डेथ बेड पर थी। पर डॉक्टर शोभा, फिर ये बिल्ली वाला खेल, आपका गायब हो जाना, आप सामने आकर पुलिस को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? मैं निकली तो इस खेल को रोकने के लिए थी, लेकिन बच्चे चुराने वाले खिलाड़ी बहुत तेज निकले। उन्होंने मेरे जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन जो मैं जीते जी नहीं कर पाई वो मैं मरने के बाद करूंगी। ये क्या कह रही है डॉक्टर शोभा, आप तो जिंदा हैं। नहीं, मैं डॉक्टर शोभा नहीं, उसकी आत्मा हूं। या डॉक्टर शोभा, आप जैसे लोग, आप इतनी अच्छी इंसान, इतनी अच्छी डॉक्टर, आपकी हत्या कोई क्यों करेगा? जब इंसान राह भटक जाता है और अपने मकसद को भूलकर पैसों के पीछे भागने लगता है, तब अपने रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट वो बर्दाश्त नहीं करता। इस नर्सिंग होम में और ऐसे कई हॉस्पिटल्स में जो ये बच्चे चुराने का सिलसिला चल रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर शोभा, हमारे अस्पताल से भी एक बच्चा उठा लिया गया था। बच्चा तो वापस मिल गया, लेकिन बच्चे को उठाने वाली औरत जिंदा नहीं मिली। रागिनी, तुम्हें इस नर्सिंग होम में आए हुए भी थोड़े ही दिन हुए हैं। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वो बच्चा चुराने वाली दामिनी इसी नर्सिंग होम में काम करती थी। क्या? हाँ,
और एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। दामिनी, दामिनी, ये बच्चा किसका है? जी, वो दामिनी, मुझसे आकर मेरे कमरे में मिलो। इतनी घटिया हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे गलती हुई डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम जैसी औरत को मैं इस हॉस्पिटल में रहने नहीं दूंगी। तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस हॉस्पिटल के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। गेट आउट। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। डॉक्टर शोभा, क्या बात है? ये औरत वार्ड नंबर 4 के पेशेंट का बच्चा चुराकर भाग रही थी। ये आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत बदनामी की बात है, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? देखिए डॉक्टर शोभा, आप बहुत सख्ती से पेश आ रही हैं। इनकी पहली गलती है, आपको इन्हें वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर निर्मला, अगर आपके हॉस्पिटल की बदनामी का डर नहीं होता मुझे, तो मैं इस औरत को पुलिस के हवाले कर देती। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। Come on, go! ये डॉक्टर निर्मला, ये आपने क्या किया? देखिए डॉक्टर शोभा, यहाँ यूनियन की बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं जानती। डॉक्टर, आप मुझे यूनियन की प्रॉब्लम्स के बारे में मत बताइए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चोरों का साथ नहीं देगी। वैसे आप इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, लेकिन अगर दामिनी जैसे लोग यहाँ पर काम करेंगे तो आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। नहीं डॉक्टर शुभम, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो दामिनी जाएगी। जब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल से बच्चे चुराने में हॉस्पिटल के स्टाफ का भी हाथ है, तब मैं बुरी तरह से चौंक उठी। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस दिन मैंने सोचा कि इस प्रोफेशन में शायद वही लोग आते हैं जिनके मन में सेवा ना करने की भावना हो, फिर चाहे वो नर्स हो, दामिनी या डॉक्टर निर्मला। मेरे कहने पर डॉक्टर निर्मला ने दामिनी को नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन हॉस्पिटल में अब भी उसका आना जाना था। एक दिन जब मैं एक इमरजेंसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल पहुंची, तो मैंने उसे वहां से निकलते हुए देखा। उसने मेरी नजरों से बचने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिरकार मैंने उसे देख ही लिया। यस डॉक्टर शोभा, क्या बात है? डॉक्टर, मेरी जानकारी के हिसाब से दामिनी को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। बच्चों में सरप्राइज, मैंने उसे हॉस्पिटल में फिर देखा। हाँ, उसे तो मैंने हॉस्पिटल से निकाल दिया। हो सकता है वो अपने किसी पहचान वाले से या अपनी सहेली से मिलने आई हो। हो सकता है, लेकिन अगर इस हॉस्पिटल से एक भी और बच्चा गायब हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दामिनी होगी। और डॉक्टर, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी।
डॉक्टर शोभा। कहिए मिस्टर शांतिलाल। नहीं, अपनी वाइफ को लाया था डॉक्टर निर्मला को दिखाने के लिए, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ आपकी वाइफ को? वही डिप्रेशन। जब भी कहता हूँ कि कोई बच्चा गोद ले लो तो कहती है नहीं, बच्चा तो अपना ही होना चाहिए। वैसे डॉक्टर शोभा, मैंने सुना है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते ही मर जाती हैं। सोच रहा हूँ कि ऐसे ही दो बच्चे मैं इस अस्पताल से गोद ले लूं, जिसके लिए मैं कोई भी खर्चा करने को तैयार हूं। मिस्टर शांतिलाल, बच्चे हॉस्पिटल से नहीं अनाथालय से गोद लिए जाते हैं, और ये हॉस्पिटल है, कोई बच्चे बेचने की दुकान नहीं। पर मैंने सुना है कि फॉरेनर्स यहाँ आते हैं और मुंह मांगी रकम देकर बच्चे ले जाते हैं। गलत सुना है आपने। इनफैक्ट अगर आपकी नजर में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगी। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। नहीं 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 डॉक्टर शोभा, बस मैंने तो यूं ही सुनी सुनाई बात कह दी। ओके। दामिनी का शांतिलाल के साथ दिखना और डॉक्टर निर्मला का बार बार दामिनी का पक्ष लेकर उसे बचाना मुझे शक के घेरे में डालने लगा, और फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। मैं जिस नर्सिंग होम में काम करती थी वहां पर तो बकायदा बच्चों को बेचने का कारोबार चल रहा था। यहां सिर्फ बच्चे चुराए ही नहीं जाते थे, बल्कि दूसरे हॉस्पिटल से भी बच्चे चुरा कर यहां लाए जाते थे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर निर्मला जी, आपकी मेहरबानी से हम इस बच्चे के माँ बाप हो गए। अच्छा, नमस्ते। अरे डॉक्टर शोभा, आइए ना। डॉक्टर, ये लोग जो अभी 3 दिन पहले इनकी डिलीवरी हुई थी, अभी डिस्चार्ज कर दिया। व्हाट? हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर? इस औरत का केस मैंने खुद हैंडल किया है 3-4 महीने पहले, जो एक फॉल्स प्रेगनेंसी का केस था। अरे वो कोई और होगी, इनकी डिलीवरी तो मैंने खुद की है। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं डॉक्टर, इनफैक्ट मुझे उसका नाम भी याद है, नलिनी सिन्हा। डॉक्टर शोभा, आपको क्या हो गया? आप जानती हैं आप क्या कह रही है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और अब तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप क्या कर रही हैं। शहर में बच्चे चुराने की जो वारदातें हो रही हैं, मैं जानती हूँ कि उसमें आपका भी हाथ है, और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी डॉक्टर। डॉक्टर शोभा, इतना गुस्सा करने से, नाराज होने से कोई फायदा नहीं। आप कहें तो हम अपने काम में आपको भी शामिल कर सकते हैं। वो किसी ने ठीक कहा है कि मिल बांट के खाना चाहिए। आप कहें तो आपका शेयर मैं अभी तय कर देता हूं। यू शट अप। ये हॉस्पिटल चिकित्सा का सेवा का मंदिर है, आप लोग ऐसा घिनौना पाप कैसे कर सकते हैं? कई बार मैं उन माओं को रोते बिलखते हुए देखती हूँ जिनके बच्चे चुरा लिए जाते हैं, और फिर उन्हें ढूंढने की एक नाकाम कोशिश की जाती है। बहुत तकलीफ होती है सब देखकर। अगर एक भी जगह मैं यह सिलसिला रोक सकी तो मैं समझू कि मैंने कुछ किया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर चोबा, आप बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि बाहर जाने के बाद आप कुछ भी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। ठीक कहा आपने, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत के इंतजार में हूं, और जिस दिन
मेरे हाथ एक भी सबूत लग गया, वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Excuse me. आपने उसे जाने क्यों दिया? इसलिए कि इस नर्सिंग होम में कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लवली मर चुकी है। हमने इसे साइनाइड का इंजेक्शन दे दिया है। क्या तुमने एक बेगुनाह मासूम जानवर को मार दिया? ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? देखो डॉक्टर शोभा, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें इस बिल्ली की तरह मार डालेंगे, समझ गई? इस बिल्ली को मारकर तुमने मेरे हाथ में एक सबूत दे दिया है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ देंगे, जरा तसल्ली तो रखिए ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम हमारा साथ दो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो तुम्हारा क्या हशर होता है। छोड़ दो मुझे, मैं क्या करूं? दामिनी, छोड़ मुझे, छोड़ो। मेरे साथ साथ बेचारी लवली को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों ने बड़ी सफाई के साथ मेरी लाश को सूरजपुर झील में डुबो दिया और उसके बाद दुनिया भर में मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टी पर हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन सच जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरी आत्मा आप भी इनसे बदला लेने के लिए भटक रही है। दरअसल मैं इन्हें इस घिनौने काम को करने से रोकना चाहती थी। वैसे इंस्पेक्टर यादव को भी इन पर शक हो गया है और वो कभी भी कानून का शिकंजा इन पर कस सकते हैं, लेकिन मैं खुद इन्हें सजा देना चाहती हूं। दामिनी का हाल तो तुम देख ही चुकी हो और विष्णु वो मेरी बिल्ली से इस कदर डर गया है कि उसे चारों तरफ बिल्ली ही बिल्ली नजर आती है। और रहा सवाल शांतिलाल और डॉक्टर निर्मला का, तो उन्हें भी मैं सजा देकर रहूंगी। सिस्टर अग्नि, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे डॉक्टर निर्मला के लिए होती है। एक औरत होकर, खासकर एक डॉक्टर होकर, उन्होंने इतना घिनौना काम किया है, हमारे प्रोफेशन को बदनाम किया है और न जाने कितनी माओ की गोद सुनी की है।
डॉक्टर शोभा, ऐसे लोगों को तो जितनी सजा दी जाए कम है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। रागिनी, इन लोगों को सजा देने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुझे क्या हो गया? तू मुझे पूछ रही है मुझे क्या हो गया? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुनो, सुनो, रुको, रुको, बचाओ, बचाओ, रुको, अरे तेरे पीछे कोई है, बचाओ, बचाओ, रुको, पीछे कोई है, उसे भगाओ, सुनो, बचाओ, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, जाओ। साहब, मुझे बचा लो। साहब, मुझे बचा लो। मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, इसे कब तक होश आ सकता है? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर की चोट बहुत गहरी है और एक बार अगर कोमा में चला गया तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसी है इनकी तबीयत? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। आप मुझे ये बताइए कि वो आगे आगे भाग रहे थे, आप उनके पीछे भाग रही थी, ये मामला क्या है? साहब, अब आपसे क्या छुपाना। सब पिछले 8-10 दिन से वो बहुत परेशान थे, घर पे भी रहते थे तो एकदम डरे डरे से रहते थे, मुझे देखते थे तो अचानक बिल्ली बिल्ली करके चिल्लाने लगते थे। क्या
हाँ साहब, साहब मुझे तो लगता है कि ये जरूर आत्मा वाली बात है। उनके अस्पताल में दामिनी नाम की एक औरत थी जो अक्सर हमारे घर पे आया करती थी इसको मिलने के वास्ते। अभी कुछ दिन पहले अचानक उसने मुझे बताया कि दामिनी मर गई और उसको उसको एक बिल्ली ने मार डाला। बिल्ली ने? बिल्ली देखा ना साहब, सब आपको भी यकीन नहीं हुआ ना, मुझे भी तभी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन तब से बहुत डरा डरा सा रहता है। उसको लगता है कि वो बिल्ली उसको भी मार डालेगी। और साहब अभी भी घर से बिल्ली बिल्ली चिल्लाता हुआ भाग निकला और भागते भागते आपकी गाड़ी से आके टकरा गया साहब। साहब साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो साहब, उसे बचा लो साहब। देखिए आप धीरज रखिए, डॉक्टर साहब उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बुरी खबर है, विष्णु का एक्सीडेंट पुलिस की गाड़ी के साथ हो गया। उसकी हालत बहुत नाजुक है और वो किसी वक्त भी, और मैंने सुना है कि कुछ दिनों से वो पागलों की तरह बिल्ली बिल्ली चिल्लाता रहता है। क्या हो रहा है शांति? कामिनी मर गई, उसके बदन पर भी बिल्ली के खरोंच के निशान थे। और वो श्यामा जिसकी लाश मेरे घर के पास पाई गई थी, वो भी बिल्ली का शिकार हुई थी। कैसी आवाज है शांतिलाल? ये बिल्ली के घुर्राने की आवाज है। लगता है हम पर विष्णु, दामिनी और श्यामा की बातें सुनकर उसका असर होने लगा है। तुम्हें याद है डॉक्टर शोभा के पास एक बिल्ली थी जिसे हमने मार डाला था? लेकिन हो सकता है कि वो जिंदा बच गई हो। ये पेट्स अपने मालिक के बड़े प्यारे होते हैं। डॉक्टर निर्मला, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाके रिलैक्स करना चाहिए। हाँ शांतिलाल, आप ठीक कह रहे हैं। Thank you.
साथ ये घूमूं? हवलदार? यस सर। लगता है डॉक्टर शोभा का मामला कुछ गड़बड़ है। जी सर। डॉक्टर निर्मला कह रही है कि वो बीमार है और इसीलिए छुट्टी ले ली है, और पास पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर शोभा को आखिरी बार 10 तारीख को देखा था, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब समझ गया हूँ, ये सब मेरे पापों का फल है। डॉक्टर शोभा की बिल्ली को मैंने ही जहर का इंजेक्शन देकर मारा था। ये बताओ डॉक्टर शोभा कहाँ है? साहब उनके लिए उनके लिए डॉक्टर निर्मला ने पॉइजन का इंजेक्शन तैयार किया था। और उनको इंजेक्शन दमिनी ने लगाया था। और शांतिलाल ने भी उनकी डेड बॉडी को सूरजपुर की झील में पत्थर बनवाकर भिगवा दिया था। वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बहुत दयालु थी। मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया साहब। मेरे से गलती हो गई। मेरे से क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुछ कीजिए ना डॉक्टर। नहीं ना, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के मत जाओ ना। हेलो, इंस्पेक्टर देशमुख बोल रहा हूँ। निर्मला नर्सिंग होम को चारों तरफ से घेर लो। हेलो डॉक्टर निर्मला जी, मैं आपकी और शांतिलाल जी की प्लेन की टिकटें ले आई हूँ। शांतिलाल जी से मेरी बात हो गई है, वो नर्सिंग होम पहुंच रहे हैं, आप भी वहीं पहुंचिए। जल्दी करो, मुझे रागिनी का फोन आया था, वो टिकट लेके आती होगी। हाँ चलिए।
क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? शांतिलाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। करके भाग जाओगे और तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी। हमें माफ कर दो। दामिनी, श्यामा और विष्णु मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। हमें माफ कर दो चोपा, हमें माफ कर दो। क्यों? जब मेरी हत्या की थी उस वक्त तुम्हें दया नहीं आई थी। तुम्हें और तुम जैसे लोगों को छोड़ देना अन्याय में भागीदार बनने के समान है। मैंने सबसे पहले ही तुम दोनों को खत्म कर दिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि दुनिया तुम्हारे इस गुनाह के बारे में जाने और लोग खुद इसके खिलाफ आवाज उठाएं। प्लीज प्लीज दया करो हम पर। पुलिस तुम्हारे इस जुर्म के खिलाफ कार्रवाई करे, लोग खुद इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। बस इसीलिए तुम लोगों को इतना समय मिल गया था, लेकिन अब और नहीं। अबे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, अबे माफ कर दो। हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। Ha 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 ha